आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय हुए रिहा, समर्थकों ने चलाई गोलियां। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, लोगों से कहा स्वच्छता की तरह जल संग्रहण को भी अभियान बनाएं। ऑपरेशन मानसून शुरू, नक्सलियों की मान में हमारे जवान, जंगल में होगी नक्सलियों की तफ्तीश। दखल की खबर का फिर हुआ असर, कृषि उपज मंडी में कई व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित। और जुलाई से पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भोपाल की स्पेशल कोर्ट से शनिवार को जमानत मिलने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय को रविवार सुबह जेल से रिहा कर दिया गया। बड़ी संख्या में समर्थक सुबह रिहाई के दौरान उनसे मिलने पहुंचे। विधायक आकाश ने जेल से निकलने के बाद कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जेल में समय अच्छा बीता। जेल से रिहाई के बाद आकाश विजयवर्गीय सीधे भाजपा कार्यालय गए और इसके बाद अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर वहां उनका फूल माला और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे। इसके साथ आकाश विजयवर्गीय का दिन भर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बिताने का कार्यक्रम बना। आकाश का कहना है कि 5 दिन पहले अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिस कारण उन्हें गुस्सा आ गया। आकाश ने कहा कि वह अपना पूरा समय अपने क्षेत्र को देंगे और वहाँ के लोगों के दुख दर्द कैसे दूर हों इसका प्रयास करेंगे। मुझे तो उसकी जानकारी अभी नहीं है, पता लगाते हैं, बाकी तो आपको घटना की जानकारी है ही। अब उम्मीद है पूरे क्षेत्र का, शहर का विकास अच्छे से करेंगे। जनहित के लिए, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, क्षेत्र का विकास हो, गरीबों के साथ न्याय हो, उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमारा एक एक पल एक एक कण लगे इसका प्रयास था है। और नहीं, बिल्कुल नहीं, जेल का जेल के अंदर भी बहुत अच्छा समय बीता, अच्छा नहीं। नगर निगम अधिकारियों से मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने के मामले में आरोपी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत ने शनिवार को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। सांसदों विधायकों के खिलाफ प्रकरण की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दोनों मामलों में सुनवाई की। अदालत ने कहा कि केस डायरी में जर्जर मकान खतरनाक होने के दस्तावेज नहीं मिले हैं, जांच भी पूरी हो चुकी है। विधायक को पहले मामले में 50,000 और दूसरे मामले में 20,000 रुपये की जमानत व बंद पत्र दिए जाने पर छोड़ने के आदेश दिए गए। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने विधायक विजयवर्गीय के दोनों जेल रिलीज ऑर्डर भी MG रोड पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को निगम अधिकारी की पिटाई मामले में जमानत मिलने के बाद भाजपा समर्थकों ने शाम नेहरू स्टेडियम के सामने स्थित विधायक कार्यालय पर हवाई फायर किए। कार्यालय के बाहर 5 फायर किए गए। निगम अधिकारी की पिटाई मामले में आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने के बाद विधायक समर्थकों का उत्साह इस कदर बढ़ गया था कि समर्थकों ने विधायक कार्यालय के सामने ही हवाई फायर कर डाले। आकाश समर्थकों के कार्यालय के बाहर 5 फायर किए, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विधायक को जमानत मिलने के बाद समर्थकों की खुशी सर चढ़कर बोल रही थी। समर्थकों ने बगैर सोचे समझे एक के बाद एक 5 गोलियां चला डाली, जिससे पूरा आसमान गूंज गया और निकलने वाले धुएं को आसमान में देख लोग भी घबरा गए। रविवार करीब 4 महीने के बाद मोदी ने मन की बात की। मन की बात में मोदी ने कहा, पानी पारस का रूप है, पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। फिल्म जगत, मीडिया, कथा कीर्तन करने वाले लोग सभी अपने अपने तरीके से पानी को बचाने के लिए अभियान चलाए। मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
यह मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला मन की बात कार्यक्रम था। इस दौरान मोदी ने कहा, ये देश और समाज के लिए आईने की तरह है। ये हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मन की बात में चिट्ठियां और संदेश बहुत आते हैं, लेकिन शिकायत बहुत कम आती है। देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं कितनी ऊंची हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद भी लोग अपने लिए कुछ नहीं मांगते। जब चुनाव से पहले मैंने कहा था कि चुनाव के बाद फिर मन की बात में फिर मिलेंगे, तो लोग कहते थे, मोदी को इतना भरोसा कैसे है? यह भरोसा मेरा नहीं, आप लोगों का था। दरअसल मैं वापस आया नहीं हूँ, बल्कि आप लोग मुझे वापस लाए हैं। मोदी ने कहा, जब भारत में आपातकाल लगाया गया तो उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे में ही नहीं किया गया, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, आंदोलन में सिमट नहीं गया था, बल्कि जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया था। देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है, यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अवसर प्रदान करने की, उसको क्रियान्वित करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड़ देशवासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, मन की बात में मुझे इतनी चिट्ठियाँ आती हैं, इतने टेलीफोन कॉल आते हैं, इतने संदेश मिलते हैं, लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है। और किसी ने कुछ मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात गत 5 वर्ष में मेरे ध्यान में नहीं आई है। मोदी ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है। जो भी पोरबंदर के कीर्ति मंदिर जाए, वो उस पानी के टांके को जरूर देखे। 200 साल पुराने उस टांके में आज भी पानी है और बरसात में पानी को रोकने की व्यवस्था है। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हर जगह पर हम करेंगे। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। ऑपरेशन मानसून के तहत 600 जवानों को जंगलों में रवाना किया गया है। इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। मानसून में नक्सली गतिविधियां कम हो जाती हैं, इसका लाभ हमारे जवान उठा सकते हैं। दंतेवाड़ा घोर नक्सलवाद क्षेत्र में से एक माना जाता है। इस इलाके में नक्सलियों ने कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। बरसात के मौसम में नक्सलियों की गतिविधियां कम हो जाती हैं और नक्सली जंगलों में कैंप लगा कर रहते हैं, जिस कारण बरसात में जवानों को जंगलों में सर्चिंग कर भेजा जाता है। अब से पहले भी इस तरह के ऑपरेशन कामयाब रहे हैं। दंतेवाड़ा क्षेत्र से 600 जवानों को अलग अलग जंगल की ओर रवाना किया गया है। दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव ने जवानों को जंगल में जाने से पहले कई बातें बताई और समझाइश दी। पहले मानसून के टाइम में अभियान काफ़ी कम हो जाता था, नक्सलियों का काफ़ी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हुआ करता था, लेकिन गत वर्षों में मानसून में भी पुलिस जो है एग्रेसिव ऑपरेशंस कर रही है। इसी तारतम्य में लगातार साउथ बस्तर में ऑपरेशंस निकल रहे हैं। बारिश में क्योंकि नक्सली टेंट लगा कर रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, तो यदि इंटेलिजेंस अच्छा हो तो सक्सेस मिलने की उम्मीद होती है। और कारण है कि और क्योंकि बारिश के टाइम में कुहासा रहता है, तो सरप्राइज मेंटेन करना आसान रहता है। फोर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, गीले हो जाते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन का लंबा ऑपरेशन होता है, जूते गीले हो जाते हैं, मलेरिया का खतरा, डेंगू का खतरा, बाकी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करके जो बड़ी संख्या में जो है पुलिस फोर्स जो है ऑपरेशन निकाल रही है। यह जवान जंगलों में 4 से 5 दिन तक सर्चिंग कर नक्सलियों के कैंप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जंगलों में रहते हैं, सर्चिंग के दौरान दूर से ही जवानों को नक्सलियों के कैंप पर नज़र रखनी होती है, जिससे जवानों को फायदा होता है। बरसात के समय नक्सली एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं, जिस कारण जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद बनी रहती है। एक बार फिर दखल न्यूज पर दिखाई गई खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए गाडरवारा कृषि उपज मंडी में कई व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, साथ ही साथ मंडी के कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की है।
दखल न्यूज ने कृषि मंडी में किसानों के साथ हुई अभद्रता एवं फसल का उचित दाम न मिलने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दखल न्यूज की खबर का असर हुआ। गाडरवारा कृषि उपज मंडी में कई कर्मचारियों सहित 23 व्यापारियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए। पिछले दिनों दखल न्यूज ने दिखाया था कि किस तरह गाडरवारा में आक्रोशित किसानों ने फसल का उचित दाम न मिलने से नाराज होकर कृषि उपज मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया था। किसानों ने मंडी सचिव की लचर कार्यशैली, दलालों से मिली भगत और किसानों से अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया था। कार्रवाई सकारात्मक कार्रवाई की है एसडीएम साहब ने। निष्क्रिय व्यापारियों के लाइसेंस नष्ट किए हैं, वो होना चाहिए। ऐसे व्यापारी जो यहाँ गाडरवारा मंडी के नाम पे लाइसेंस बनाए हुए हैं, खरीदी नहीं कर रहे, सरकार की अन्य योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, लोन लेकर रखे हुए हैं अपने ट्रेडिंग, उनके लाइसेंस नष्ट हो गए, सकारात्मक कदम है एसडीएम साहब की तरफ। इसी के चलते प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, साथ ही साथ मंडी के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई। एसडीएम राजेश शाह का कहना है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी कार्यों में लापरवाही बढ़ते जाने पर आगे भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। हमारे संवाददाता अभिषेक मेहरा ने किसानों से हो रही अभद्रता और लापरवाही के मामले का खुलासा किया था। किसानों ने तमाम अपनी समस्याएं बता दी थी। एक तो कुछ तो नीतिगत मामले थे रेल के संबंध में, जो कि शासन स्तर के हैं, कुछ मंडी प्रबंधन को लेकर भी थे। फॉर एग्जांपल की मंडी में जो मूलभूत सुविधाएं को लेकर भी थे, टोल को लेकर के थे और व्यापारियों को लेकर के थे। हमने उसमें जब पाया कि जो व्यापारी अक्रियाशील हैं, मतलब व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है और उसमें भाग भी नहीं लेते हैं, जिसके कारण किसानों को भी समस्या आती है, टोल काटे भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से हमने संज्ञान में लेते हुए 23 व्यापारियों के जो अनुज्ञप्ति लाइसेंस हैं वो आगामी आदेश तक निलंबित करेंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हथकरघा अभियान एक प्रभावशाली शुरुआत है, इससे कला कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भोपाल के चौक स्थित श्री दिगंबर जैन विद्यालय में हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने किया। इस अवसर पर पीसी शर्मा ने कहा कि ये एक प्रभावशाली शुरुआत है और निश्चित ही इससे न केवल कला और कौशल में निखार आएगा बल्कि रोजगार में भी वृद्धि होगी। मंत्री श्री शर्मा ने महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर प्रारंभ इस कार्य की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रार्थना के पश्चात सूत कातना गांधी जी की दिनचर्या में सम्मिलित था। ये मैं समझता हूँ और ये जो वर्ष है अमित जी बहुत प्रासंगिक है। ये महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ समय चल रही जयंती, उस जयंती में ये शुरू हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी वो पुत्री जो नवोदय में थे, देश को आजाद कराया और हाथ करना, अरे भैया ये रोज हाथ करना से वो खुद करते थे, क्योंकि प्रार्थना के बाद हाथ करना से खुद करना ये उनकी दिनचर्या थी। यहाँ जिस तरह का चार्ट है बहुत बढ़िया होता है, प्रमुख मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र का खेती का है, शहर की ओर लोग बनाए कर रहे हैं और पूरा उनको मजदूरी और रोक मिल जाए और शहरी क्षेत्र में रोजगारी गंदी नदियाँ पर्यावरण संतुलन बहुत सही प्रदर्शन किया है। दिगंबर जैन स्कूल में हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मचारी अमित ने बताया
कि यह कार्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया है। इसे प्रदेश के सभी दिगंबर स्कूलों में संचालित किया जाएगा। विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाई के अतिरिक्त एक पीरियड के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। मंत्री शर्मा ने कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आचार्य श्री की प्रेरणा से अभी सागर की केंद्रीय जेल में प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। शीघ्र ही इसे भोपाल केंद्रीय जेल में भी प्रारंभ कराने का कार्य किया जाएगा। छतरपुर के कलेक्टर का पंचायतों में विकास में तेजी लाने और सभी काम 3 महीने में खत्म करने का फरमान विवादों में आ गया है। पंचायत से जुड़े लोगों का कहना है कि ये कलेक्टर का हिटलर शाही है, क्योंकि गांव में बारिश के दौरान अब क्या काम हो पाएंगे। कलेक्टर ने पंचायत चुनाव को देखते हुए आदेश जारी किया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायत में अधूरे काम 3 महीने के अंदर सरपंच पूरे करवाएं। यदि काम समय सीमा में अधूरे पाए जाते हैं तो सरपंच को चुनाव लड़ने पर मिलने वाली शासकीय एनओसी नहीं दी जाएगी, ना ही आगामी चुनाव में सरपंच और उनके परिजन भाग ले पाएंगे। कलेक्टर यह आदेश जारी होते ही सरपंचों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर के इस फरमान का विरोध शुरू हो गया है। नहीं, वो गलत है, इसलिए कि 3 महीना का जो आदेश है बरसात में वो काम नहीं हो पाते हैं, तो कलेक्टर साहब को इसमें 3 से 6 महीना करना चाहिए। वो जो जितना काम होता जाता है उतना मूल्यांकन माने वो करता ही है इंजीनियर लोग, तो अगर ज़्यादा सरपंच पैसे निकालेंगे तो माने वो कार्रवाई करें, और अगर कलेक्टर साहब ऐसा नहीं करते हैं माने आदेश के ऊपर, तो हम लोग सरपंच लोग सब एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, आंदोलन करेंगे। इसमें देखो, अभी बरसात का समय है और बरसात 3 माह रहती है तो कच्चे काम जो होते हैं वो काम बंद किए जाते हैं, वो काम नहीं हो पाते, इसलिए वो समय सीमा आचार संहिता के पहले तक की देना चाहिए, जिससे कि सरपंच और पंचायत का विकास हो सके, उनके काम पूरे हो सके जितने भी काम हैं। तो 3 माह जो उन्होंने समय दिया है वो कम है, इसको बढ़ाना चाहिए और आचार संहिता के पहले तक, क्योंकि इनकी लगभग 11वें 12वें माह तक आचार संहिता लगेगी, तब तक के लिए उनको समय देना चाहिए। अगर इस प्रकार के आदेश जो वो कर रहे हैं तो वो गलत है, इनका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। आदेश अगर कलेक्टर साहब ने जारी किया तो उसका यही उद्देश्य होगा कि जो भी काम है शासन स्तर पंचायत स्तर पर पेंडिंग है पंचायतों में वो समय सीमा में पूरे हो, यही उद्देश्य हो सकता है। ये एनओसी दी जाएगी नहीं जाएगी, और तो जो भी होता है शासन के जो नियम होते हैं या चुनाव आयोग के जो निर्देश होते हैं उसके तहत कार्रवाई होती है। सरपंचों का आरोप है कि 3 महीने बरसात का समय होता है, ऐसे में कई काम बंद रहते हैं, ऐसे में कलेक्टर को 3 महीने के समय को बढ़ाना चाहिए और कलेक्टर का यह फरमान हिटलर शाही सा है। वहीं कलेक्टर ने इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरने की धमकी दे रही है। बॉटल में कोल्ड ड्रिंक पी रही एक युवती के होश उस वक्त उड़ गए जब अचानक उसके मुँह में एक मरी हुई छिपकली आ गई। इसके बाद युवती को उल्टियां होने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा की है। कोरबा के वार्ड क्रमांक 6 के पूर्व पार्षद हरि साहू की 18 वर्षीय बेटी किरण साहू घर के पास की दुकान से 250 ml की सील बंद थम्सअप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आई थी और पीने लगी। इसी दौरान जब कोल्ड ड्रिंक बची तो देखा कि उसके मुंह में कुछ आ गया है। जब उसने बोतल में देखा तो मरी हुई छिपकली थी। उसके बाद किरण को उल्टियां होने लगी और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा। फिलहाल युवती की हालत खतरे से बाहर है और उसका उपचार चालू है। इस मामले में अभी कोल्ड ड्रिंक का कंपनी का पक्ष सामने नहीं आया है। पेप्सी था कि थम्सअप था? थम्सअप था। हाँ, थम्सअप ला के लड़का लिया और गर्मी उमर बहुत था तो लड़के पी रहे थे, मतलब उसके बाद तो 250 ml का था, मतलब उसके बाद पी लिया, उसके बाद लास्ट में छिपकली था उसमें और छिपकली मुँह में आ गया, उसके बाद उल्टी उल्टी हुई वहाँ घर में, उसके बाद फिर काल फिर हॉस्पिटल ले गया। छतरपुर में बघारी रेत खदान पर एक युवक की संदिग्ध हालत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि रुपए के लेनदेन को लेकर युवक की हत्या की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के चंदला थाने के बघारी रेत खदान पर एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गई। बताया जा रहा है कि बीती रात सतीश खगार रुपए के लेन देन पर बघारी रेत खदान आया था और अपने एक साथी के साथ उसके घर पे ही रात में रुक गया था। सुबह जब सतीश के साथी ने उसे देखा तो वह अचेत अवस्था में पड़ा था और उसके कान से खून निकल रहा था। युवक की मौत की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक का शव
पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि बघारी रेत खदान पर रुपए के लेन देन में युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कही जा रही है। मैं गया हूँ, इसको देखा सुना, हिलाया धुलाया, होती हालत में था, मगर सांस चल रही थी। वहाँ से छोटे पाल और माया झाम सिंह जो लौड़ी के भी रहने वाले थे, तो वो लेके हम भागे तुरंत। जैसे यहाँ बैरगिया पुखरी के उसके बीच में आए तो इसका उन लोगों ने मुझसे, ट्राली में थे, मैं ट्रैक्टर चला रहा था, तो बोले भैया वो तो लगता है कि खत्म हो गए। मैंने कहा अब हम लोग तो नहीं जानते, इनको जल्दी अस्पताल भेजो, अब मैं जा रहा हूँ थाने। मैं पहुँचा तुरंत थाने, थाने जाने के बाद मैंने रिपोर्ट की, साहब लोग आए, उपचार हो रहा। जहाँ बघारी से सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिली थी फोन से, एक व्यक्ति यहाँ पर अचेत अवस्था में है, तो वहाँ बल के साथ वहाँ पहुँचे, उसको देखा तो उसके बाद उसकी बॉडी गर्म थी, तो उसको अस्पताल लाए डॉक्टर साहब ने, उसकी रीवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्र सहायता शिविर का आयोजन किया। आयोजन में छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया में हो रही समस्याओं के निराकरण के लिए जानकारी दी गई। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र सहायता शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छात्रों की लंबी भीड़ प्रवेश पाने के लिए महाविद्यालय में लगने लगी है। वहीं प्रवेश प्रक्रिया में महाविद्यालय में बिचौलियों और दलालों का भी जमावड़ा लगने लगा है। दलाल प्रवेश लेने आए छात्रों से पैसे लेकर उन्हें प्रवेश दिलाने की बात करते हैं। इन्हीं सब समस्याओं से छात्रों को अवगत कराने और निजात दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सहायता शिविर का आयोजन किया है। छात्रों के सम्मान और छात्रों के सहयोग के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा अग्रसर रहता है। आज इसी कड़ी को जारी रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया में हो रही समस्याओं को देखते हुए छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पर सहायता शिविर का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को बताया जा रहा है कि वो इस प्रक्रिया में कहीं गुमराह न हो, जो सही चयन प्रक्रिया है, जो सही इसकी एडमिशन प्रक्रिया है, उसमें सब लोग आएँ और इस महाविद्यालय में एडमिशन प्राप्त करें। एडमिशन हो रहा है उनकी सहायता के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टीआरएस इकाई ने सहायता शिविर लगाया है, जो भी हमारे नए भैया बहन आएंगे उनकी सहायता करने के लिए। विद्यार्थी परिषद ने छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज की जानकारी दी एवं सही प्रवेश प्रक्रिया के बारे में भी समझाया। उन्हें यह भी बताया कि यह किसी भी प्रकार के दलालों के चंगुल में ना फंसे और महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में विश्वास रखें। बंगाल की खाड़ी से एक मजबूत सिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है, जो जुलाई के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को तरबतर कर देगा। इसके बाद ही दोनों प्रदेशों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यूं तो मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन अब भी कई इलाकों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। सरकार से लेकर किसान तक को अच्छी बारिश का इंतजार है, लेकिन यह इंतजार अब खत्म होने के करीब है। बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम तेजी से सक्रिय हुआ है, यह कर्नाटक ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 जुलाई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा का कहना है कि इस साल मानसून देरी से आया, जितनी सक्रियता का अनुमान लगाया जा रहा था उतना नहीं हुआ, मगर अब मानसून की गतिविधियां बढ़ने जा रही हैं। जुलाई अगस्त ही है मानसून अपने रंग में आएगा। फिलहाल जून में दोनों प्रदेशों में औसत से कम बारिश हुई है, जो चिंता का विषय है। अधिकांश जगह तापमान अभी भी सामान्य से अधिक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, वही एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रहा है आ रहा है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था वही, हर मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, मैं समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने, तो मैं इधर आ गया, बता रहे हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचाया, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी में पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रहे हूँ, ये संभाल के रखो पानी को। वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे वेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई, ये थी तो हालत हो जाती है, बता रहे हूँ। पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है
न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रहा हूँ। हमले तो बढ़ेगा ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा, बेचारे खा जाएंगे निकल के, क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, तो ये तो अब चल जाए। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है, बता रहे हैं। ये तो भुनमरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रहे हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया, हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहती गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है, वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ। वो 22 फीट ऊँची दीवार कूद काद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है, उनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, वो पहुँचे। वो भैया भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो, रुक जाओ, मेरा दोबारा फिर से ट्रांसफ़र हो गया। ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे, उसमें अपना वोट डाल दो। ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता रहा, यह भी बहुत आलसियों की कमी नहीं है, बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छूट गए इनके जीतने में, बता रही हूँ। हल्के में मतलब भैया किसी को बता रही हूँ, वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कब चल जाए, क्या चल जाए। अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना, बता रही हूँ। और अभी विराट कोहली का फोन आ रहा है, मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको। तो भैया नमस्कार, मैं जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।